कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ, तो आपका स्वागत है दिल से इस ब्लॉग में। तो गाइज़, ये सुबह का टाइम है और सुबह से ही शुरू हो जाते हैं हम लोगों के घर के काम, और जब तक हम रात को सोते नहीं है ना, तब तक काम हमारे घर के चलते ही रहते हैं। और एक जो हाउसवाइफ होती है ना, बस उसकी एक यही आदत होती है कि अब घर का ये काम पड़ा है ये कर लें, वो काम पड़ा है ये भी कर लें, टाइम बचा है तो ये भी काम कर लें। तो अपने लिए टाइम भी थोड़ा बहुत भी निकालना मुश्किल पड़ जाता है, और जब फेस्टिवल चल रहे हों तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम सोच लेना कि हमें ये अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, तो बस निकल ही जाता है। बस थोड़ा सा हमें उस हिसाब से काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, थोड़ा सा ये दिवाली की क्लीनिंग की है, थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही हूँ मैं। एक साथ तो खैर नहीं फैलाती, एक रैक कर ली, फिर अगले दिन दूसरी रैक कर ली। तो बस इसके बाद करवा चौथ भी आना है, तो करवा चौथ की भी तैयारी करनी है। तो एक मैं आपको होममेड फेस स्क्रब बताऊंगी, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है इस फेस स्क्रब से। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने लिए हैं जो देसी चावल होते हैं, जो पुराने चावल होते हैं, बहुत सस्ते वाले चावल वो लिए हैं मैंने, क्योंकि सस्ते वाले जो चावल होते हैं ना, उसमें माड़ ज़्यादा होता है। तो बस मैंने उसको ना बारीक पीस लिया है मिक्सी में, एकदम बारीक पाउडर बनाना है, नहीं तो थोड़ा सा भी दरदरा रह जाता है ना, तो वो स्किन को नुकसान पहुँचाता है। तो देखिए, मैंने एक हट्टा इसको पीस लिया है, और बासमती चावल वगैरह नहीं लेने हैं, सिंपल एकदम सस्ते वाले चावल लेने हैं। उनको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है, बील लेना है ताकि उसमें कोई कूड़ा ना हो। तो बस एक चम्मच ली है मैंने चावल का आटा, और इसमें मैंने डाली है दही। बस ये सिंपल सा फेस स्क्रब है, लेकिन बहुत ही कमाल का स्क्रब है। और इसको मैंने 2 मिनट तक मसाज की है फेस पर, और 2 मिनट तक मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। तो फिर देखिए ज़रा कितना सॉफ्ट लगेगा आपका फेस, सारी डेड स्किन हट जाएगी। और होममेड चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इससे स्किन पर। बस थोड़ा सा कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें सूट नहीं करती है, बस उसे अवॉइड करना चाहिए। तो बस यहाँ पर फेस स्क्रब करने के बाद, तो फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी, आ गई हूँ नहा कर, क्योंकि हाउस हेल्पर भी आ गई थी। इधर थोड़ा सा क्लीनिंग मैंने डस्टिंग कर दी थी, हाउस हेल्पर ने झाड़ू पोछा कर दिया था। तो बस अब मैं जाऊँगी सीधे पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा में लगता है टाइम, मंदिर भी जाती हूँ मैं, और घर पे भी पूजा करती हूँ। और पता है, मैं इस नवरात्रि मैंने ना फर्स्ट टाइम ही मैंने सूट पहना है, नहीं तो बस डेली लोअर टी शर्ट पहनी है। अब पता है, मन भी करता है कि डेली जो है सूट पहनो, साड़ी पहनो, लेकिन निकाल भी लेती हूँ मैं सूट और साड़ी भी निकाल लेती है, फिर ये करता है कि फिर ना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। मैंने कहा आगे फेस्टिवल है, करवा चौथ है, दिवाली है, मैंने कहा उस पे साड़ी पहन लूँगी मैं। तो बस यहाँ पर पूजा भी हो गई है हमारी। गाइस, पता है क्या हमारे साथ क्या हुआ था, कि हम लोगों ने ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आज अष्टमी है, आज नौमी है, लेकिन ना आज जो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, उस दिन हमने व्रत रखा है अष्टमी का। लेकिन कुछ लोगों ने ना एक दिन पहले रख लिया, हम लोगों ने भी एक दिन पहले रख लिया था, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। और 1 बजे तक हमने व्रत रखा, फिर उसके बाद ना हमें पता चला, पूरा कंफर्म किया हम लोगों ने, कहीं से पता चला कि आज सप्तमी है अष्टमी नहीं है। तो पूरा कंफर्म करने के बाद फिर हमने 1-1.5 बजे खाना खाया, और लेकिन हमारा ना आधे दिन तो व्रत हो ही गया। लेकिन आज जिस दिन मैं अपलोड कर रही हूँ ना वीडियो, फ्राइडे को ही हम आज अष्टमी का व्रत रखेंगे।
तो अब ना पता नहीं क्या हो रहा है कि कभी कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है, कभी घटता है नवरात्रा, कभी बढ़ जाता है, इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। तो बस यहाँ पर गीले हो रहे थे बाल, तो यहाँ पर मैंने बाल खोल के ना सीधे यहाँ पर बेडशीट चेंज की हैं, क्योंकि नहाने से पहले ना इसकी बेडशीट चेंज नहीं कर पाई थी मैं। तो बस यहाँ रॉयल खा लिया, रॉयल खाना खा लिया, मतलब बिखेर दिए सारी रोटी वगैरह। रॉयल क्या हो गया, गेट भी खुला हुआ है, चल गेट बंद कर देते हैं। खेल रहा है तेरे साथ। अच्छा देख देख, हाँ तो देख फिर आ गया बॉल लेके। हाँ नहीं देखा है मैंने, देखा है मैंने। तो गाइज यहाँ पर ना रॉयल के जो हमारा डॉगी है ना रॉयल, उसके मुंह में ना बॉल थी, उसे बॉल पल्ले पड़ गई उसके मुंह में, पता नहीं कहाँ से मिल गई। तो ना वो खेल रहा था कृष्णा के साथ, कभी उसे उसके मुंह से ना बॉल निकाल रहा था, निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्णा इधर जा रहा था वो उधर जा रहा था, फिर उधर कृष्णा जा रहा था इधर भाग रहा था, खेल रहा था, वो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने वीडियो शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए। कभी तो गाइस घर पे ना पांच माता रानी की भेंट बोल दी थी मम्मी ने, और छोटा सा कीर्तन करवाया था। फिर हम लोग ने यहाँ पर रात में बहुत बड़ा जागरण था खाटू श्याम जी का, तो यहाँ पर आ गए हम जागरण में। तो बहुत ही जो है पब्लिक थी, इतना सुंदर जागरण था, देखिए कितना सुंदर दरबार सजाया हुआ है। और कहते हैं ना यहाँ पर हर साल होता है खाटू श्याम जी का जागरण, और इतनी अच्छी सिंगर आई थी ना। गाइस यहाँ पर ना लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हो वहाँ पर दर्शन करने की, बिल्कुल दरबार के पास दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन थी, लेकिन हम तो थोड़ी देर बैठे, और थोड़ी देर बैठने के बाद दर्शन करने के बाद फिर हम लोग ना आइसक्रीम खा के हम लोग वापस आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी भी लग रही थी, ज़्यादा भीड़ में लगती भी है गर्मी। पता है मैं ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन छीनने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, फ़ोन भी बहुत छीनते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।